सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है सोनोमीटर लॉ ऑफ टेंशन। हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ, तो ये है अभी लॉ ऑफ टेंशन वाला। तो इसके अंदर करेंगे क्या कि इसमें पहले की तरह पांच ट्यूनिंग फॉर्क नहीं लेंगे, जैसे हमने पहले पांच छह ट्यूनिंग फॉर्क लिए थे और उसमें अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई थी वो हमने निकाला था, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो लेंथ आई थी वो निकाला था। अभी हम लोग एक ही ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, लेकिन करेंगे ये कि अलग अलग मास डालेंगे, तो अलग अलग मास की वजह से जो है रेजोनेटिंग लेंथ जो है चेंज हो जाएगी और वो अलग अलग लेंथ क्या आने वाली वो हम लोग निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है लॉ ऑफ टेंशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट बी चल रहा है सोनोमीटर का, पार्ट ए ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि अच्छा, जो पार्ट ए है उसका मैं लिंक जो है वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना और कमेंट सेक्शन में भी उसको पिन कर दूंगा। तो देखिए, इसमें हमको ढूंढना क्या है, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द वायर एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी बदलना नहीं है, एक ही ट्यूनिंग फॉर्क लेना है। तो मैंने जो चुना है ट्यूनिंग फॉर्क वो कौन सा चुना है, 380 वाला है, 384, ठीक है। तो ये 384 का आप देख सकते हैं ये ट्यूनिंग फॉर्क है। तो आपको फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट ही रखना है, फ्रीक्वेंसी बदलना नहीं है, और अननोन टेंशन की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब करना क्या है, सुनिए, पहले इसमें स्टार्टिंग में आपको जो है यहाँ पर जो वेट्स लटके हुए हैं तो हैंगर को सबसे कम पे रखना है। तो मैंने इसको रखा है अभी 1 kg पे। तो ये हैंगर जो है खुद बेसिकली 500 ग्राम का है, आधा किलो का है, और उस पर एक 500 ग्राम का और वेट लगाया हुआ है, तो टोटल मिला के 1 kg हो गया, 1 kg। तो शुरू में 1 kg रखना है, उसके बाद में दो वेट्स और ऐड करने हैं तो 2 kg हो जाएगा, फिर तीसरी रीडिंग 3 kg पे, चौथी रीडिंग 4 kg पे, और जो पांचवी रीडिंग होगी आखिरी रीडिंग उसमें एक अननोन वेट भी इसमें डाल देना है। तो अननोन टेंशन का भी हमको निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली भी ये जो है 1 kg लटका हुआ है, तो 1 kg के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है कि टेंशन होगा स्ट्रिंग में, और इसकी कुछ तो रेजोनेटिंग लेंथ होगी। ये जो नाइफ एजेस हैं इनको हम लोग यहाँ से वहाँ सरका के जो है लेंथ चेंज कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पर जो है, यानी कि हमें ये मिलने वाला है, एक रेजोनेंस मिलने वाला है। तो अभी पहली रीडिंग 1 kg वेट पे जो चल रही है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए इनके बीच में गैप कितना, आपको यहाँ से यहाँ देखना है, 49 से लेके 41 के बीच में देयर इज 8 cm। तो 8 cm पे देखते हैं क्या ना, ये जो इस पे लटक रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये पेपर नहीं, मतलब यहाँ पे आप पेपर भी लगा सकते हैं, हम लोग ने वायर लगाया है, इसको लाइट वायर लूप कहते हैं हम लोग, लाइट वायर लूप। तो ये बेसिकली जो है ना आपका, ये वाइब्रेट करता है और ये बताता है कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं वाइब्रेट होता है कि नहीं होता है। तो मैं पहले स्ट्राइकिंग पैड पे स्ट्राइक कर रहा हूँ ट्यूनिंग फॉर्क को, एंड फिर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। तो अभी मैं जो है इसको स्ट्राइक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसा हाथ में लेके स्ट्राइक कीजिए, यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको ऐसा मारेंगे तो यहाँ से वाइब्रेशन इस तक भी पहुँचेगा सोनोमीटर तक, और फिर इस वायर लूप तक भी पहुँचेगा, तो बेसिकली पहले वो हिलने लगेगा। तो आप यहाँ से पहले इसको ये करिए, यहाँ से ऐसे करके स्ट्राइक कीजिए यहाँ से, और फिर यहाँ पर लगाइए। तो अभी ज़्यादा नहीं हिला, हल्का सा वाइब्रेट हुआ था, बहुत हल्का सा वाइब्रेट हुआ है, ज़्यादा नहीं हिला, तो ये रेजोनेंस नहीं है। तो थोड़ा 1 cm सरकाइए, तो 1 cm सरका दिया। अब ये 49 और 40 है, यानी कि 9 cm का गैप है। अब ट्राई करिए, अभी हिला थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिल रहा है, ज्यादा नहीं हिल रहा है ना, वो दिखाई दे रहा है सोहेल भाई इसके अंदर बराबर, हाँ, तो हल्का से हिल रहा है। तो 1 cm और बढ़ाइए, अब मैं इसको 10 cm पर रख दिया है, 49 और 39 के बीच में। अब ट्राई करता हूं, थोड़ा सा और ज्यादा हिला, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी रेजोनेंस नहीं है। जब तक रेजोनेंस ना आ जाए आपको आगे बढ़ते रहना है, करते रहना है, इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहना है। ऐसा लग रहा है कि रेजोनेंस ऑलमोस्ट आ गया है ना, बिल्कुल ज्यादा भी डांस करने लगा है वायर लूप, तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर सरका के और देखता हूं, हल्का सा आधा सेंटीमीटर ही, 10.5 पे ट्राई करता हूं। यस, काफी ज्यादा डांस कर रहा है ये, तो यही है इसका रेजोनेटिंग लेंथ। यस, श्योर होने के लिए 2-3 बार और ट्राई कर लीजिए। यस, अभी इसको मैं ना एक बार काम करता हूँ, आधा सेंटीमीटर और सरका के 11 कर लेता हूँ, तो 49 और 38 के बीच में है ये। अभी भी डांस तो कर ही रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बट ठीक ठाक। तो मेरे ख्याल से अभी जो है रेजोनेंस की लेंथ 10.5 जो थी वही बराबर थी, तो मैं वापस 10.5 पे ले जा रहा हूँ, थोड़ा पीछे वापस ले आया मैं। यस, काफी ज्यादा डांस कर रहा है। तो ये है हमारी रेजोनेटिंग लेंथ, तो 10.5 की जो हमारी लेंथ आ गई है आप देख सकते हैं।
ये 49 पे है, 49, और ये है आपका 38.5 पर, 38.5. सो 49 और 38.5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.5 आएगा. 10.5 पे हमको है ना पहला वाला मिल चुका है रीडिंग, तो आइए इसे नोट कर लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने 10.5 लेंथ जो है वो रेजोनेटिंग लेंथ नोट कर लिया 1 kg के लिए, 1 kg मास के लिए. अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है, टेंशन लिखना है. टेंशन होता है mg मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो मास हमारा 1 है, 1, और ग्रेविटी कितनी है, जी कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 9.8. तो 9.8 ही आंसर आएगा, मैंने खाली ऐसा दिखा दिया है. अब सिर्फ 9.8 लिखिए और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 19.6, ये पहले ही करके रख लीजिए. 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना था वो लिख लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना था वो लिख लीजिए, है ना. चार चीज़ें लिख लीजिए आप पहले से ही, और ये 10.5 आया है. अभी हम लोग क्या करेंगे, वजन थोड़ा सा बढ़ाएंगे. तो अभी वजन थोड़ा बढ़ाने वाले हैं. देखिए तो यहाँ पर इसको उठाया मैंने और इस हैंगर में डाल दिया. ये इसको स्लॉटेड वेट्स कहते हैं, स्लॉटेड वेट्स. तो स्लॉटेड वेट्स से स्लॉट बना हुआ है ना इसमें, स्लॉटेड वेट्स हैं, इनको हैंगर पे लटकाएंगे अपन, ठीक है. तो अब ये चार लटकाने की वजह से, सब 500 ग्राम के है ना बेसिकली, अरे मतलब हैंगर 500 का था और तीन और लटका दिए, देखो ध्यान से, तीन और लटका दिए. सो हैंगर खुद 500 ग्राम का है, उसमें तीन और लटका दिए, तो अब ये 500 के चार हो गए, तो यानी कि 2 किलो हो चुका है. तो 2 किलो में अब हम लोग को रीडिंग लेना है. तो 2 किलो वाली रीडिंग जो है देखते हैं कितना आता है 2 किलो के लिए. तो मास बदल देने के बाद अभी मैंने थोड़ा बस 1-1 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है. देखिए इसको 38 पे रखा है, ये है 49 पे, यानी कि 11 का डिफरेंस है. और 11 पे देखते हैं कि ये जो है बंदा मतलब हिलता है कि नहीं हिलता है ना, ये जो वायर लूप है यही हमको बताता है कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो चलिए इसे स्ट्राइक करते हैं. स्ट्राइक किया, यहाँ ले गए, बहुत हल्का सा हिल रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा असर नहीं हो रहा है इस पर, है ना. अब 1 सेंटीमीटर थोड़ा बढ़ाते हैं, 37 पे आते हैं. अभी ट्राई करते हैं, नहीं असर हो रहा है, है ना. अब थोड़ा 36 के आसपास ट्राई करते हैं, 36. सो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कि 36.5 पर ये है ना एकदम परफेक्टली रेजोनेट हो रहा है. मतलब देखो ना 36.5 पर रखा, यानी कि कितना गैप हो जाएगा, 12.5 का गैप हो जाएगा, 12.5. ये 36.5 है और ये 49 है. देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, अच्छे से वाइब्रेट हो रहा है थोड़ा. एक बार और करिए अच्छे से सुहेल भाई, एक बार और. हाँ हो रहा है ना, एक मिनट, एक मिनट, अच्छे से है ना, हो रहा है ना, एकदम अच्छा डांस कर रहा है एकदम. ये पेपर राइडर, वैसे पहले पेपर राइडर लगाते थे, अब वायर राइडर लगा रहे हैं, इसको राइडर भी बोलते हैं. तो मैं नाम भूल गया था, सुहेल भाई ने याद दिलाया मुझे नाम. ये हिल तो रहा है लेकिन थोड़ा इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, है ना. थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, 1-2 मिलीमीटर फिर आ जाएगा. तो फ्रेंड्स मैंने आगे पीछे करके देखा एंड 13.5 का जब मैं गैप रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 49 और यहाँ पे 35.5, जब मैं ऐसा रख रहा हूँ ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जा रहा है रेजोनेंस. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है. और देखिए, और देखिए, एक बार और करता हूँ, है ना, काफ़ी ज़्यादा ये हिल रहा है. देखिए देखिए, वो इस पर वायर पे ना बराबर टच होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. इस पर वायर पे बराबर टच नहीं हो रहा था. वापस एक बार देखिए, वापस एक बार, है ना, काफ़ी ज़्यादा डांस कर रहा है. तो यही रेजोनेंस की बराबर लेंथ आ चुकी है. ऐसे ही मैं लेंथ अभी निकालते जाऊँगा और फिर फाइनल आपको रीडिंग दिखाऊँगा. तो अभी मुझे क्या करना है, अभी 3 किलो करना है, 4 किलो करना है, फिर लास्ट में अननोन टेंशन वाला भी करना है. तो फाइनली हमारी जो है 4 रीडिंग्स तो हो चुकी हैं. आप देख सकते हैं कि 13.5 तो ये आप ही के सामने आया था और 10.5 तीसरा वाला जब किया, मतलब 3 किलो लटका के, तो 15.5 आया. और जब 4 किलो लटका के किया तो 18.5 आया. देख लीजिए 4 किलो लटका हुआ है अभी भी. सो 4 किलो देखिए वजन लटका हुआ है पूरा. तो 500 ग्राम का तो हैंगर ही है और 7 वजन और लटकाए हुए हैं इसके ऊपर, 7 वजन लटकाए हुए हैं. तो टोटल मिला के पूरा आपको ये दिख रहा होगा कि 4 किलो हो चुका है. और इसकी जो रेजोनेटिंग लेंथ जो आई है वो बेसिकली 18.5 आई है. कैसे, 30.5 और 49 माइनस करके देख लो, 49 में से 30.5 निकाल के देखो तो आपको 18.5 मिलेगा. अब हमें क्या करना है, आगे अननोन टेंशन निकालना है, अननोन टेंशन, ठीक है. तो अननोन टेंशन की लेंथ, सॉरी अननोन टेंशन के लिए लेंथ निकालना है, लेंथ. तो अननोन टेंशन कैसे निकालेंगे, अननोन टेंशन की लिए लेंथ कैसे निकालेंगे, ये है अननोन वेट. इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, कितना वजन है इसका. तो इसको मैं लूँगा और अब इसको हैंग करूँगा, उसको हटा दूँगा. तो इस चीज़ को मुझे हटा देना है. ये देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ,
मैंने निकाल दिया, अलग कर दिया, अब इसको मैं हैंग कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसको लटका दिया है, अब ये अननोन टेंशन है, दिस इज द अननोन टेंशन। अब इसके लिए हमको रेजोनेटिंग लेंथ निकालनी है, ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं रेजोनेटिंग लेंथ। तो फाइनली जो अननोन टेंशन है, अननोन टेंशन से हम लोगों को बेसिकली रेजोनेटिंग लेंथ जो आई है, इसको काफ़ी आगे पीछे करना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा आगे पीछे घुमाना पड़ा। मैं एक को हमेशा फिक्स रखता हूँ 49, तो 49 ही रख रहा हूँ इसको, और बाकी जो दूसरा वाला उसे आगे पीछे घुमा रहा हूँ। तो यहाँ कहीं 38.7 पर जाके जो है मतलब यानी कि मुझे रेजोनेटिंग लेंथ आई है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, स्लोमो में दिखाता हूँ आपको, स्लोमो में। तो फाइनली मैंने जो है ये सारा रीडिंग्स पूरा निकाल लिया है, तो सेंटीमीटर में तो आ ही गया था, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, तो मीटर में भी कन्वर्ट हो गया है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए खाली 100 से डिवाइड करना है, तो 10.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.105 आएगा, फिर 13.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.135 आएगा, 15.5 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.155 आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, और बाद में इस चीज़ का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर तो 0.105 का स्क्वायर, फिर 0.135 का स्क्वायर, तो ये सब आता है, ठीक है। आगे और भी डिजिट्स आते हैं, लेकिन मैंने खाली 3-3 डिजिट्स मेंटेन किए हैं। अब ये चीज़ का ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने क्या किया कि इसको है ना कन्वर्ट कर दिया 10^-3 में। तो देखो ना, इसका 1 और 1 यानी कि 11 अगर मैं इस तरह ले लूँगा तो 0, 1 और 1 लेने की वजह से 10^-3 हो जाएगा। वैसे ही 0, 1 और 8 तीन लोग को लेफ्ट में लेने की वजह से 0, 1 और 8 को यानी कि 18 बनाने के चक्कर में 10^-3 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे सबका मैंने 10^-3 कर दिया, तो मुझे रीडिंग्स आ गई हैं 10, 11, 18, 24, 34, जो कि प्लॉट करना मेरे लिए आसान हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करना कैसे है, तो याद रखिए कि आपको जो है ना मतलब एल स्क्वायर प्लॉट करना है। देखो इसमें एल स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, और टेंशन जो है टी टेंशन, वो कहाँ प्लॉट करना है आपको, टेंशन वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, टेंशन वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो ये रीडिंग्स वाई एक्सिस पे आएंगी, यानी कि आपको समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक जाना है, 39.2 है ना, 40 तक जाना है। और आपको मालूम ही होगा कि हमारे पास ग्राफ पेपर में वाई एक्सिस पे अच्छी खासी 20 से ज़्यादा लाइंस होती हैं, तो दो दो करके भी लेंगे ना तो 40 इजीली आएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए, अगर आप एल स्क्वायर एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो हमको 34 तक जाना है, 34, और हमारे पास यहाँ पे बहुत इजीली 17 लाइंस होती हैं 17 लाइंस, तो 17 लाइंस में दो 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 करके प्लॉट करेंगे आ जाएगा। तो देखिए मैंने प्लॉट कर दिया है, देखिए 2-2 करके प्लॉट किया, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके प्लॉट किया, तो यहाँ तक आते आते 34 आ गया है ना, 34 आ गया। तो एल स्क्वायर मैंने प्लॉट कर दिया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके करते करते मैं देखिए 40 तक भी आ गया इजीली, है कि नहीं, 40, 42 और भी आगे जा सकता था। तो इस तरीके से अब मैं इसका स्केल लिखूंगा, तो स्केल कैसा होगा, देखिए ये जो लेंथ आपने प्लॉट किया है ना, इसमें 10^-3 भी लिखना, आप लेंथ स्क्वायर आपने प्लॉट किया ना, 10^-3 लिखना मत भूलना। देखिए यहाँ पे ना 10^-3 है ना, हर रीडिंग में 10^-3 है, तो आप खाली ऐसा नहीं कि 10, 12, 13, 20, 24, 34 ऐसा आप प्लॉट कर लेंगे, आपको 10^-3 भी लिखना है। तो चलिए स्केल देखिए, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर मेरा 2 × 10^-3 है, चेक करो, देखो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 2 × 10^-3, बिल्कुल परफेक्ट है, 2 × 10^-3 के बराबर है ना, 1 सेंटीमीटर। अच्छा वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर तो कितना है, 2 न्यूटन के बराबर है, 2 न्यूटन, अरे टेंशन फोर्स है, फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, टेंशन फोर्स है, तो देखो 2 न्यूटन, सो 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन है। तो अब मैं ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करने जा रहा हूँ, तो पहला पॉइंट है 11 वर्सेज 9.8, 11 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 9.8 है ना। तो अरे भैया एल स्क्वायर और टी तो प्लॉट करना है ना, तो 11 वर्सेज 9.8, तो इधर देखिए ये 10 ये हो गया, 12 ये हो गया, तो एक्जैक्टली बीच में 11 आएगा, याद रखिए एक्जैक्टली बीच में 11 आएगा, इधर 11 आएगा और 9.8 इधर किधर मिलेगा। तो ये देखिए ये कितना है, 8 है, बीच में 9 है और ये 10 है। तो अगर मैं एक एक लाइन आगे बढ़ूंगा ना, तो वो 0.2 की लाइन है, 0.2, तो 9, 9.2, 9.4, 9.6, तो 4 लाइन आगे चले जाऊंगा तो 9.8 आ जाएगा, 4 लाइन आगे, समझ रहे हैं। अरे 10 से जैसे एक लाइन पीछे और 9 से 4 लाइन आगे, ये 9 है भाई, ये 9 है, तो 9 से 4 लाइन आगे, 10 से एक लाइन पीछे, 9.8 होगा। तो 11 वर्सेज 9.8 था ना, तो 11 वर्सेज 9.8, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 11 वर्सेज 9.8, अरे समझे कि नहीं समझे कल के पुतलो, 11 वर्सेज 9.8 समझ में आया। अब देखिए दूसरा रीडिंग देखिए, एक और रीडिंग दिखाता हूँ फिर बाकी पूरा ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दूंगा। तो दूसरी रीडिंग दिखाता हूँ, 18 वर्सेज 19.6, सो 18 किधर है भाई मेरा, ये 18, सो 18 ये है, 18 वर्सेज 19.6 जाना, 19.6, तो आप यहाँ पे देखिए ये 18 है, ये 20 है, तो ये हो गया 19,
19 के आगे तीन लाइन जाऊंगा क्योंकि एक एक लाइन 0.2 है ना, तो 19.2, 19.4, 19.6 तीन लाइन जाना पड़ेगा, तीन लाइन ठीक है। तो 18 ये है 18 वर्सेस 19.6। अबे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कल के बुदलो तो ये आ जाएगा 19.6, 18 वर्सेस 19.6 ये हो जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट 18 वर्सेस 19.6, देखो 18 पे प्लॉट किया 18 वर्सेस 19.6। इस तरीके से आप बाकी सारे पॉइंट्स भी प्लॉट कर लेंगे सारे पॉइंट्स ठीक है। तो फाइनली मेरा ग्राफ बन चुका है, आप देख सकते हैं कि ग्राफ के पॉइंट्स है ना थोड़े से इधर उधर आए हैं। तो मैंने एक ही पॉइंट को ग्राफ पे लिया, हालांकि कम से कम दो पॉइंट ग्राफ पे होना चाहिए, लेकिन आप ये मत समझिए कि मैंने एक ही लिया है। यहाँ पे भले आपको एक दिख रहा है लेकिन ये पॉइंट भी तो है ना ग्राफ पे। अब आप बोलेंगे सर ये पॉइंट क्यों, क्योंकि ये जिस तरीके का फॉर्मूला है इसका, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे ना तो फॉर्मूला है y=mx टाइप का, y=mx। सुनिए ये आपको शायद पता नहीं है, ये कुछ बेसिक्स बता दे रहा हूँ मैं आपको। y=mx के शक्ल का है ना फॉर्मूला बन रहा है। अगर इस शक्ल का फॉर्मूला कभी बनता है ना तो ओरिजिन एक पॉइंट खुद होता है, मतलब ओरिजिन से लाइन पास होना ही चाहिए ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा ना मैं बता देता हूँ। देखो इधर देखो, यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो इसको देखो, इसकी शक्ल देखो, फ्रीक्वेंसी वाले की शक्ल देखो। फॉर्मूला कैसा है, 1/2L अंडर रूट टी बाय एम है ना। अब इसका स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू 1/4L स्क्वायर और फिर टी बाय एम बन जाएगा, है कि नहीं। अब इसको मैं आगे और लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल्स टू 4L स्क्वायर एन स्क्वायर एम, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, 4L स्क्वायर एन स्क्वायर एम, हाँ बस इतना ही हो जाएगा ना, हाँ करेक्ट। तो टी हो जाएगा ये चीज़ पूरा 4L स्क्वायर एन स्क्वायर एम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर टाइप का आ रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो फिक्स हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो टी प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर टाइप का आ रहा है। अगर कभी भी ऐसा कुछ चीज़ आती है कि टी इज इक्वल टू समथिंग, देखो ना ये समथिंग है ना, अरे 4L स्क्वायर और m जो समथिंग है, तो समथिंग मतलब यानी कि इसको मान सकते हैं आपके सम कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे आ रहा है एल स्क्वायर। और इसको अगर आप y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और इसको अगर आप प्लॉट करते हैं x एक्सिस पे, तो ये हो गया y=mx टाइप का फॉर्मूला। और y=mx का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी ओरिजिन से पास होने वाली। तो ये सब बातें आपको है ना याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा जानना था उनके लिए मैंने बता दिया एक्स्ट्रा। तो anyway, तो याद रखिए कि आपको कोशिश करना है कि दो पॉइंट्स एटलीस्ट पास हो, लेकिन दो अगर नहीं हो रहे तो एटलीस्ट उसमें से एक ओरिजिन तो होना ही चाहिए। तो ओरिजिन और इसको आखिरी वाले को पकड़ के मैंने लाइन बनाई, और देखिए लाइन भी ऐसी खूबसूरत बनाई है कि एक आध पॉइंट इधर आ गया, एक आध पॉइंट उधर आ गया, तो बैलेंस आउट हो गया, तो एक एवरेज लाइन बन चुकी है। और आपको हमेशा एवरेज बिहेवियर ही निकालना होता है ग्राफ में, तो वो चीज़ बिल्कुल परफेक्टली हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ढूंढना क्या था, अरे भाई एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या था, ये एक्सपेरिमेंट का मोटिव था कि फाइंडिंग द अननोन टेंशन। तो अननोन टेंशन निकालना है। अब अननोन लेंथ तो अपने को आ चुकी थी, अननोन लेंथ देखो, अननोन लेंथ कितनी थी 10.2 थी ना, तो उसका एल स्क्वायर क्या था, एल स्क्वायर था 0.1010, यानी कि 10 था, तो 10 के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू आएगी ना वो हमको लेना है। अरे ये जो एल एक्स स्क्वायर है ना वो यही तो है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अननोन वाला, अरे अकल के पुतलो यही एल एक्स स्क्वायर है, यही एल एक्स स्क्वायर है। सो एल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 10 है, तो अननोन वाले का 10 है, तो 10 के अगेंस्ट में क्या आता है, तो 10 के अगेंस्ट में आपको ऐसा लेके आना है, ठीक है। तो 10 के इधर हमारा ये 10 है, देखो ये 10 है, तो 10 को ऐसा आपको लाइन पूरे स्केल से खींचना है, स्केल से हाथ से नहीं खींचना है, बट मैं आपको बताने के लिए बता दे रहा हूँ। तो ऐसे जाके इसको टच करना है, ये यहाँ पे टच हो गया ना, अरे जहाँ पे भी ग्राफ को टच हो गया इससे फिर यहाँ निकल जाना, यहाँ निकल जाना, तो स्केल से बनाना है। तो जब यहाँ निकल जाएंगे हम लोग, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये बराबर कुछ ऐसे जा रहे थे, वो तीसरी मतलब 12 से नीचे तीसरी लाइन पे जा रहे हैं। सो इट इज़ लाइक 11.4, ये 11.4 कुछ आ रहा है। ये आपको स्केल से बनाना, ऐसे मत बना देना घटिया सा। तो चलिए मैंने मिटा के फिर से स्केल से बना दिया है और मुझे आ गया 11.4 न्यूटन का टेंशन आ गया। तो वही आपको यहाँ पे नोट कर देना है फाइनल रिजल्ट में। देखो पहले तो ये हो गया रिजल्ट में कि टी वर्सेज एल स्क्वायर का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आया है, तो टी बाई एल स्क्वायर वाला जो लॉ है वो वेरीफाई हो चुका है। अरे है ना ये टी बाई एल स्क्वायर ही तो अकल के बदलो, ये क्या देखो। सो ये टी बाई एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वाला ही तो लॉ है ना ये। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, अकल के बदलो। तो क्या कितना आ रहा है, टी बाई सी एल स्क्वायर इक्वल्स टू सी है ना, टी बाई एल स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो टी बाई एल स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो लॉ है वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है। और अननोन टेंशन जो है वो हमें आ गया है 11.4 न्यूटन। अब लिसन, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला हूँ। तो 11.4 तो न्यूटन में वैल्यू आई है ना, लेकिन सिर्फ 11.4 नहीं है बाय द वे, लिसन ये तो वेट हो गया ना, ये तो टेंशन हो गया जो हमने लटकाया है।
अब इसको है ना एक्चुअल में इसका जो मास था वो कितना था, तो मास कैसे ऑब्टेन करेंगे 9.8 से डिवाइड करके, इसको 9.8 से डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं 9.8 से डिवाइड करके कितना आता। तो ये देखिए मैं आपको कैलकुलेटर में लेके आ चुका हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 11.4 डिवाइडेड बाई 9.8 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1.1632। यानी कि कहने का मतलब ये कि मुझे खाली इतना याद रखना है कि है ना कुछ 1100 ग्राम के आसपास आ रहा है, मतलब यानी कि आ रहे 1.1 केजी आ रहा है ना, अप्रॉक्स 1.1 केजी आ रहा है। तो इसी का हम लोग वजन निकाल के देखते हैं कि जो हमारा अननोन वाला है उसमें सच में 1.16 ग्राम का वो है कि नहीं, मतलब किलोग्राम का 1.16 किलोग्राम या फिर 1100 ग्राम अप्रॉक्सिमेटली वो है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। तो ये देखिए आप लोग गौर से बिल्कुल ध्यान से, मैंने तराजू पर रख दिया, ये देखिए 500 ग्राम के दो वेट रखे हुए हैं, तो मिलके ये 1 किलो हो गया और ये 1 किलो से ज्यादा भारी है जो लेफ्ट में रखा हुआ है अननोन वेट, तो आखिर हो गया ना साबित। मैंने वैसे भी कहा था कि 1100 के आसपास आएगा, तो आ गया फाइनली 1000 के ऊपर।